हुए 2 नवंबर को पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर हमें मिल रही है नूह से, जहां पर बूथ कैप्चरिंग में कथित संलिप्तता के आरोप में नवनिर्वाचित महिला सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान रशीदा के रूप में हुई है और उसे शहर की एक अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 नवंबर को मतदान के दौरान मनोता गांव में भीड़ ने कथित तौर पर मतदान केंद्र नंबर 77 और 78 पर हमला किया था। घटना के बाद एक शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। अब आपको बताते हैं कि नूह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज की गई थी और पुनर्मतदान के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि नतीजा 4 नवंबर को घोषित हुआ था और रशीदा ने जीत हासिल की। हालांकि जब वह और उनके समर्थक जीत का जश्न मना रहे थे, तब सोशल मीडिया पर कुछ कथित वीडियो अपलोड हुए जिसमें बूथ कब्जाने में उनकी कथित संलिप्तता सामने आई। नूह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि FIR दर्ज करने के बाद हमने जांच की और नव निर्वाचित सरपंच रशीदा की संलिप्तता पाई गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम अन्य लोगों की भूमिका की भी पुष्टि कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, उस संबंध में हमारे पास बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आई थी जिसके अंदर वो EVM लूटते हुए एक पार्टी के लोग, पार्टी विशेष के लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी पहचान की गई और उसके संबंध में गहन जांच पड़ताल करने के बाद जो है सरपंच जो जीती हैं साजिदा, उनकी गिरफ्तारी की गई है उस मामले में और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी अभी बकाया है, वो की जाएगी शीघ्र ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।